गांधी मेमोरियल अस्पताल में 10 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। मौत की जानकारी लगते ही ननिहाल वालों ने जमकर हंगामा किया और पिता पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। दरअसल गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती का विवाह देवलौत थाना क्षेत्र में हुआ था, जिसके ससुराल वाले शुरू से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जिसका मामला महिला थाने में चल रहा था। गतिवश मासूम की तबीयत बिगड़ने पर उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद ननिहाल वालों को जानकारी हुई तो अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और पिता पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया। मर्चुरी में ननिहाल वालों ने हंगामा करते हुए बताया कि पहले भी वह धमकी दे चुका था। आइए दिखाते हैं किस तरह से हंगामा किया और ननिहाल वालों का क्या आरोप है। झगड़ा नहीं करना आप लोग, गाली देना है किसी को नहीं देना की गाली घटना ये हुई है कि मेरी बच्ची कि इसका हमारा मुकदमा चलता था। किससे? इससे। लड़की का बाप है? लड़की का बाप है, लड़की का पति है। पति है। आप नाना हो? हम नाना हैं। हाँ, तो क्या हुआ? हमारे साथ इसका साल भर से मुकदमा चल रहा था। मेरे पास पूरा प्रूफ और रिकॉर्ड है। मेरे पास काहे का मुकदमा चला? दहेज प्रथा का। हमारे बच्ची को प्रताड़ित करता था। अच्छा। बच्ची को मारता था, बच्ची को अनायास दंडित किया जाता था। मैंने कहा कहने का मतलब कि तुम्हारी जब यहाँ से रिपोर्ट चल रही, तुम्हारी अभी क्या घटना घटी? अभी क्या घटना? मैं बता रहा हूँ ना, अभी मुकदमा हो रहा था। ये मेरे बच्ची को 22 तारीख को छोड़ करके चला गया। इसे पूछिए क्या था। कुछ नहीं मारना इसको, ये कुछ नहीं करना। ठीक हो, अच्छे बेटा।